नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं नई दर्पण यूट्यूब। दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाला हूँ रिद्धि सिद्धि डेयरी फार्म में। काफ़ी शानदार भीड़ है, जितनी पशु है सारी सारी 25 प्लस 20 प्लस वाली है। एक दो पशुओं का मिलिट्री कार्ड भी दिखाऊंगा, लेकिन ये 20 और 25 प्लस वाला राज क्या है ये जानने के लिए मैं इनके फीड प्लान के बारे में, फीड मैनेजमेंट के बारे में दिखाने वाला हूँ। कैसे क्या खिलाते हैं ताकि ये अच्छी ब्रीड को तैयार करके रखते हुए और इतना दूध भी निकाल लेते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में वीडियो को लाइक भी कीजिए, ज़्यादा से लोगों के बीच में शेयर भी कीजिए। और जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को। और तो आइए मैं यहाँ के ऑनर से बात करता हूँ और जानता हूँ कि कैसे फीड देते हैं, क्या देते हैं पशुओं को ताकि अच्छी हेल्दी भी रह पाती है, स्वास्थ्य में भी कम खर्चा करते हैं। पुनः स्वागत है सर हमारा यूट्यूब चैनल पर। जी सर, फिर से एक बार आप अपना परिचय दे दीजिएगा। मेरा नाम चंदन सिंह है, मैं रिद्धि सिद्धि डेयरी का मालिक हूँ जी। और सर ये मैं आपको अपना फीडिंग दिखाता हूँ। फीड को लेकर काफी संशय होता है लोगों में, ये चीज जानने के लिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ। जी जी, तो सबसे पहले क्या आप नाद में डाले थे ये आप बताएंगे सर? हमारे यहाँ भूसा डालते हैं, पहले भूसा मतलब भूसा डालते हैं, ये गेहूँ का भूसा होता है, गेहूँ का भूसा डाला है भूसा। पहले हरा चारा भी डालते हैं, इस समय दो दिन से बंद है क्योंकि खेत में पानी चला हुआ है। जी जी जी, इसलिए कट नहीं रहा है, गीला हो गया है, कल से कटेगा। तो और मैं कितनी मात्रा में देते हैं भूसा? हम एक गाय को 3 किलो 4 किलो 3 किलो 4 किलो। अच्छा, दूध के अनुसार देते हैं? हाँ, दूध के हिसाब से जो खाती है वो उतना देते हैं उनको। तो भूसा देना बेहतर होता है या पुआल देना बेहतर होता है? देखिए हम लोगों के यहाँ पुआल नहीं मिलता है। अच्छा अच्छा, हम लोगों के यहाँ भूसा ही चलता है। तो ये आपके लोकलिटी के अनुसार सही है? जी 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 जी। और हम साइलेज मंगवाते हैं। अच्छा, इस समय तो हरा चारा चल रहा है तो साइलेज का कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल, और जब हरा चारा नहीं रहेगा तो साइलेज आ जाता है। जी सही चीज़। ये हम लोग सीतापुर में बनता है। अच्छा अच्छा अच्छा, और वहाँ से वो सप्लाई दे देते हैं। अच्छा, तो भूसा डालने के बाद फिर पानी भी डाला जाता है? पानी डालते हैं, उसके बाद फीड डालते हैं। डालो फीड मतलब कितना मात्रा में डाला गया है सर? एक गाय को 2 किलो 3 किलो जैसा जिसका मतलब दूध के अनुसार, दूध के अनुसार डालते हैं। इसमें प्रोटीन पाउडर मिला हुआ है। अच्छा, प्रोटीन पाउडर कितना मिला? प्रोटीन पाउडर एक गाय को 300 ग्राम। अच्छा, 300 ग्राम। हाँ, 300 ग्राम एक गाय को जो एलम्बिक खुराक की आती है। हाँ, वो मिलाते हैं। अच्छा, अच्छा। और 100 ग्राम से 150 ग्राम कैल्शियम देते हैं। अच्छा, कैल्शियम 100 से 150 ग्राम देते हैं। 150 ग्राम गिलास से निकाल लो, ये भी इसी में डालो, गिलास से निकाल लो, इसको इसी में दे देते हैं, ये खा लेती है सब। अच्छा, मतलब कहीं अलग से कुछ देने की जरूरत नहीं पड़ती है, सब एक जगह खा लेती है। जी जी, और इसके अलावा फिर और क्या देते हैं? इसके अलावा हम दोपहर में गुड़ का शरबत और चीनी का शरबत और यही सब देते हैं इनको। तो गुड़ का शरबत या चीनी का शरबत से क्या बेनिफिट? ये क्या होता है कि जानवरों को गर्मी में जो सलाइवा डिस्चार्ज होता है उसे ज्यादा हद तक पानी की कमी होती है, तो पानी पीती हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ने से पानी कम पीती है। जी जी। और गुड़ और ये चीनी का शरबत देने से मीठा लगता है तो ये भारी मात्रा में उठा लेती है और वो इनको ग्लूकोज का काम करता है। अगर पानी कम भी है तो वो ग्लूकोज उसको पूरा कर देता है। अच्छा, तो इसलिए हम उसको देते हैं। उसके अलावा एक और इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होता है? इनडाइजेशन में हम लोग बफर इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, बफर में आप मीठा सोडा भी खिला सकते हैं। हाँ हाँ। और बफर कंपनियों का भी आता है। तो मीठा सोडा अगर तो सबके पास उपलब्ध है तो कितना देंगे मीठा सोडा? एक गाय को 50 ग्राम मैक्सिमम। तो फीड में मिला दीजिए, उसको दे दीजिए। जी अच्छा, फीड में ही मिला के देते हैं। तो ये फीड आपका इसी तरीके से देता है यानी कि इसको पानी भिगो करके देते होंगे ना? या पानी में भिगो देते हैं। अच्छा, और जैसे आधा घंटा पहले भिगोते हैं और फिर तुरंत निकाल के अपना डाल देते हैं। अच्छा, उसके अनुसार से मतलब। तो और फिर कुछ बदलाव भी करते रहते हैं जैसे मौसम के अनुसार से बदलाव भी किया था? मतलब मौसम के हिसाब से सर, जैसे मिनरल तो चलवे करता है, मिनरल बराबर चलता है, प्रोटीन अलग डाइट में दे दिए, एक्स्ट्रा प्रोटीन, एक्स्ट्रा फैट, एक्स्ट्रा एनर्जी ड्रिंक भी दिया जाता है। जब ज्यादा गर्मी होने लगता है तो तमाम तरह के एनर्जी ड्रिंक है, उसको एनर्जी ड्रिंक को दिया जाता है इन जानवरों को। तो ये फीड खिला करके सर थोड़ा सा आप अपने पशु को देखिए किस तरह का पशु आपने बना लिया आप है। देखिए ये मेरी 5वीं 6वीं बार की है। अच्छा, ये गीर है? गीर गाय 5वीं 6वीं बार की है और इसको कोई सेहत देख लीजिए आप। अच्छा, इसके 4-4 बच्चे हैं। चार चार बच्चे हमारे पास हैं जो अभी मिल्किंग में है। हाँ हाँ। और इनका सेहत देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता। जी बिल्कुल। और हमारा जो फीड है ये गवर्नमेंट का है, पराग का बाईपास। हाँ। हम लोग यूज करते हैं और देखिए कितने चाव से खा रही है। बिल्कुल, चाव से काफी मतलब चाव से खा रही है, रुक नहीं रही है ये तो खाने में। और ये पूरा जब खा लेगी तभी ही उठाएगी। अच्छा, तो ऐसे और फीडों में नहीं है। अच्छा,
एक और चीज जानना चाहेंगे, जैसे दूध दुहने के बाद भी लोग कुछ देते हैं पशुओं को? नहीं सर, हम लोग नहीं देते हैं। ऐसा नहीं देते हैं? ऐसा नहीं कि एक दो जानवर तो है नहीं, डेयरियों में बहुत जानवर होते हैं, इसे अलग से देना मुश्किल होता है। लेकिन हम लोग जो होता है वो एक ही बार पूरा डोज इनको दे दिया जाता है। उसके बाद समय में कितने समय में देते हैं सर, कितने बजे? हम लोगों का ये 4 बजे के टाइम से चालू हो जाता है। और सुबह के समय में? और सुबह भी 4 बजे अपना सुबह चालू हो जाता है, खिलाना पिलाना धोना 8 बजे तक खत्म हो जाता है। और एक दो पशुओं के बारे में थोड़ा सा देखना चाहेंगे जो अच्छी अच्छी आपके पास है। आइए, ये बछिया सर क्या, इसका क्या खासियत है? ये बछिया सर ये एवियस पाइनियर की है। अच्छा। जो 18 महीने की है और ये 10-11 महीने में सीमन ले ली थी। 10-11 महीने में सीमन ली। ये आज के डेट में 18 महीने की है जी, और ये 8 महीने की प्रेग्नेंट है। अच्छा अच्छा, मतलब काफी इसका रंग भी कुछ ठीक ठाक है इसमें। जी जी बिल्कुल। और एबीएस पाइनियर की है? एबीएस पाइनियर की है। हाँ। और सीमन आपके पास उपलब्ध हो पाता है आसानी से? जी सर, मैं सीमन मंगवा लेता हूँ। अच्छा। हमारे के यहाँ लखनऊ में MK सचान साहब हैं, वो सीमन के बहुत बड़े काम करते हैं। जी जी। उनसे हम लोग मंगवा लेते हैं, वो सीमन दे देते हैं। अच्छा। ये डेनमार्क की है, ये भी एबीएस की है। अच्छा अच्छा। और ये भी सब वही 17-18 महीने की सारी बछिया है। तो इन सभी को भी यही फीड देते हैं ना? सब सब सबको एक ही फीड देते हैं। एक ही फीड देते हैं? एक ही फीड सबको देते हैं। तो आपको बेहतर कौन सा फीड लगता है, बना करके खुद का या बाजार का? देखिए, पहले तो हम बनाकर ही देते थे, लेकिन बनाने में थोड़ा कास्ट ज्यादा आता था। कभी मक्का महंगा हो जाता था, कभी जौ महंगा हो जाता था, कभी ऐसा भी आता था कि मक्का मिलता ही नहीं था, तो काफी जल्लत होना पड़ता था। तो आज के जमाने में हर आदमी परेशान नहीं होना चाहता है, तो इसलिए हमने बात किया पराग के चेयरमैन से। उन्होंने कहा कि मेरा फीड आप यूज करके देखिए, क्योंकि उनके पास भी डेयरी है। अब वो 40 सालों से वही खिलाते हैं। अच्छा। और वो कहे कि कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो हम भी डर डर के किए, लेकिन हमको अच्छा रिस्पांस मिला। अच्छा। तब से आज 6 महीने, जब आपने वीडियो एक बार पहले बनाया था, बिल्कुल पहले ही बनाया था, उस समय हम अपना फीड दिखाए थे आपको। हाँ जी बिल्कुल, अपना ही बताया था। लेकिन उसके बाद मैंने ये फीड चालू किया और हमको लगता है कि आज 8-9-10 महीना तो हो ही गया होगा। जी बिल्कुल, 6 अक्टूबर में हम लोगों ने बनाया था। जी, उसके बाद मैं वो फीड चलाया और आज तक कोई दिक्कत नहीं। लोग कहते हैं रिपीटिंग जो होती है, रिपीट की भी व्यवस्था नहीं है। जी मतलब आपको अच्छा है उससे रिजल्ट। जी 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 जी। चलिए सर, फीड के बारे में अपने किसानों की संशय दूर कर दी, इसके लिए भी सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।